ये है कि हम लोग रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस अवस्था में दान करता हूं, पर राजा हरिश्चंद्र ने सब कुछ स्वप्न में ही दान कर दिया, पर उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया। तो ये जो एक्सेप्टेंस की पावर आती है कि हम सत्य के प्रति सब कुछ समर्पित कर देंगे और उसमें हमारा थोड़ा सा भी नुकसान नहीं होगा। जैसे होता नहीं है कि लोग सोचते हैं कि सत्य के मार्ग पे चलने से आपको कठिनाइयां झेलनी पड़ेगी, ये सत्य है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन कठिनाइयों का जो परिणाम होगा वो नवम भाव से मिलता है कि वो सुखदायी होता है इस जन्म में भी अगले जन्म में। योगेश्वर श्री कृष्ण जब अर्जुन को पढ़ा रहे थे श्रीमद् भगवद् गीता तो वो आत्मा के विषय में बताते हैं, नायम हन्यते न हन्यमानिषु। नायम हन्यते का तात्पर्य होता है, हे अर्जुन, इस आत्मा का न तो इस शरीर में हनन किया जा सकता है न तो शरीर के बाद। तो सोचो इस बात को कि हमारा अस्तित्व जो है, अवर ओन एग्जिस्टेंस, इस शरीर में भी रहेगा, इस शरीर के बाद भी रहेगा। तो ये नवम भाव है जो आपके अंदर ये विश्वास उत्पन्न करता है कि आपका एग्जिस्टेंस शरीर में भी है, शरीर के बाद भी है। इसकी प्राप्तियां क्या होती हैं? नवम भाव की जो प्राप्ति होती है वो प्रसिद्धि होती है। प्रसिद्धि कहते हैं, जैसे होता नहीं, लोग कहते हैं क्या मुझे लोग जानेंगे, क्या मेरा जीवन में नाम होगा। तो जो फेमस पॉइंट होता है, कीर्ति जिसको बोलते हैं, वो नाइन्थ हाउस से आती है। तो ऐसा व्यक्ति जो है समाज में, संसार में आने के बाद, मृत्यु छोड़ के बाद, शरीर छोड़ने के बाद भी उसका नाम लिया जाता है, उसे लोग चाहते हैं, यह है नाइन्थ हाउस, वो जाना जाएगा, उसको प्रसिद्धि इसी हाउस से मिलेगी, यहां से प्रसिद्धि मिलेगी। कर्तव्य निष्ठा,